नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। 8 दिसंबर को गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आ गया। गुजरात में बीजेपी की जीत हुई, लेकिन आपको बताया कि गुजरात में बीजेपी की जीत से यहां बिहार में जदयू परेशान देखती नजर आ रही है। जदयू के नेता ललन सिंह से लेकर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते नजर आ रहे हैं, ये क्या, ये तो गजबे हो गया। आपको बताया कि अहमदाबाद की बापू नगर सीट से जदयू के उम्मीदवार खड़े थे और वहां जदयू के उम्मीदवार को मात्र 30 वोट मिले, जिसके बाद वो खुद नाराज हो गए और कहने लगे कि ये तो गुजरात है, यहाँ तो ये होना ही था, यहाँ जदयू को आखिर जानता कौन है। गुजरात विधानसभा चुनाव में अहमदाबाद की बापूनगर सीट से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार पठान इम्तियाज खान सिद्धखान को सबसे कम 30 वोट मिले। राज्य के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को ये सबसे कम वोट है। 45 वर्षीय पठान ने इसका ठीकरा अपनी पार्टी पर फोड़ते हुए कहा कि पार्टी ने उनके पक्ष में प्रचार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ता तो इससे ज़्यादा वोट मिलते। पठान इम्तियाज खान सिद्धखान सियासत में नए नहीं हैं। उनका कहना है कि उन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में गुजरात की खेड़ा सीट से किस्मत आजमाई थी और उन्हें 5000 से अधिक वोट मिले थे। उन्होंने कहा, उस समय मैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ जदयू को जानता कौन है, कोई नहीं, ये तो होना ही था। पठान ने कहा कि पार्टी ने लगभग आधे दर्जन उम्मीदवारों को टिकट दिया था, लेकिन सभी हार गए। गुजरात की कुल 182 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले 1681 उम्मीदवारों में से एक इम्तियाज पठान भी थे, जिन्हें सबसे कम वोट मिले। साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार के प्रमुख गवाह पठान ने कहा कि 2019 में चुनाव के बाद वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीनी यानी AIMIM में शामिल हो गए थे और 2 साल तक उनके सदस्य रहे। उन्होंने कहा कि जब मुझे लगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी टिकट नहीं देगी तो मैं जदयू में शामिल हो सकता हूँ, और फिर वो जदयू में शामिल हो गए। लेकिन अब हारने के बाद बेचारे पछताते नजर आ रहे हैं। इसका पूरा ठेकरा उन्होंने जदयू के आला कमान पर, जदयू के बड़े बड़े नेताओं पर फोड़ दिया है। उनका कहना है कि मेरे लिए गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए जदयू से कोई नहीं आया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसी बड़े नेताओं को नहीं भेजा और यही कारण है कि यहाँ जदयू के नेता को हार का सामना करना पड़ा और मुझे मात्र 30 ही वोट मिले। तो चलिए, इस खबर में इतना ही। और भी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।